रोज़ी में बरकत और मालदार होने के तीन नुस्खे दे रहा हूँ, एक कुरान पाक से, दूसरा हदीस नबवी से और तीसरा उलमाए हक्का के मुजर्रबात से। इसको करें और मालदार हो जाएं। सबसे पहला जो कुरान पाक से मैं आपको देने लगा हूँ वो है इस्तिग़फार की कसरत। इस्तिग़फार की कसरत जो करेगा, कुरान का वादा है अल्लाह उसको माल वाला बनाएगा, मालदार बनाएगा, बागात वाला बनाएगा, सोने चांदी वाला बनाएगा। अल्लाह पाक दुनिया की किसी नेमत की उसको कमी नहीं देगा। और याद रखें, कसरत का आदत अब अगर आपने पूरा करना है तो 300 दफ़ा किसी भी वजीफे को, किसी भी आमल को आप करेंगे 300 दफ़ा, तो वो कसरत के अंदर शुमार हो जाएगा। गोया के अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ये भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मग़फिरली भी पढ़ सकते हैं। 24 घंटे में 300 दफ़ा, हर नमाज के बाद 300 दफ़ा, जितनी माल की आपको ज़रूरत है उतना इस्तिग़फार बढ़ाते चले जाएं और माल की कसरत देखें कुरान का वादा अल्लाह जल्ले शानहु कैसे पूरा फरमाते हैं। और दूसरा हदीस नबवी से दुरूद शरीफ की कसरत। और दुरूद शरीफ ऐसा है जो इसमें लगता है आपको, जो भी दुरूद शरीफ आता है, जो भी दुरूद शरीफ आता है, 4 दुरूद शरीफ मुझे पता है, उनमें से अगर आपको कोई भी आ जाए इंशाअल्लाह ताला हम और गम अल्लाह जल्ले शानहु दूर कर देंगे। 4 दुरूद शरीफ हैं, बताने लगा हूँ, जो भी आपको आसान लगे कर लें। सबसे पहले जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलुहु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलुहु, इसको पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम, ये दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमा, ये पढ़ लें। अगर नहीं आता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लें। लेकिन सरदार दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी है। जो दुरूद शरीफ को पकड़ लेगा कम से कम 300 दफ़ा, हर नमाज के बाद पढ़ें, सोते हुए पढ़ें, फजर से पहले पढ़ें, फजर के बाद पढ़ें, इससे दोस्ती लगा लें, अल्लाह हम गम तकलीफ परेशानी बीमारियां ख़त्म फरमा देंगे और अल्लाह मालदारी नसीब फरमाएंगे। और तीसरा जो उलमाए हक्का का मुजर्रबात में से है वो 1000 दफ़ा या गनीजु या गनीजु या गनीजु, ए गनी ज़ात, ए वो ज़ात जो सारे के सारे ख़जानों को लिए हुए है, ए अल्लाह हमारे दिल को भी गनी कर दे, ए अल्लाह हमें भी मालदार बना दे, हमारी सारी कमियां जो रोज़ी के एतबार से हैं, माल के एतबार से हैं, ए अल्लाह वो सारी की सारी ख़त्म कर दे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन तीन वजीफ़ों की बरकत से, इन तीन नुस्खों की बरकत से अल्लाह आपको ज़रूर मालदार बना देगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।